pieces of copper, each of mass 10 gram, are 10 centimeters apart from each other. 1 electron per 100,000 atoms is transferred. ठीक है ना? It transfer from one piece of copper into the other. How much Coulombian force will act between them? After the transfer of electrons, atomic weight of copper is this. Our Van der Waals number this, and electron this, and 1/4 pi epsilon naught. तो देखिए पहला नंबर आप इटम निकाल लीजिए. नंबर ऑफ एटम इन 10 ग्राम ऑफ कॉपर कितना होगा बताओ. तो नंबर ऑफ मोल्स पहले निकालते हैं. तो नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम्स इन 10 ग्राम ऑफ कॉपर, नंबर ऑफ एटम्स इन 10 ग्राम ऑफ कॉपर, 10 ग्राम ऑफ कॉपर. तो कॉपर के 10 ग्राम में कितने एटम होंगे बताओ. नंबर ऑफ मोल्स इनटू अवोगाड्रो नंबर, है ना? तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस अपॉन एटॉमिक वेट ऑफ कॉपर व्हिच इज कितना 63.5 इनटू, ये तो नंबर ऑफ मोल्स हो गया, इनटू अवोगाड्रो नंबर. तो अवोगाड्रो नंबर कितना होते हैं? 6 × 10⁻²⁰, ये अवोगाड्रो नंबर हो गया. ठीक, इतने एटम्स है, है ना? तो चार नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर क्या हो जाएगा बताइए? 1000 एटम से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, और आपके पास इतने एटम है. ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एन शून्य कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 1000 × 635 × 6 × 10⁴²⁰, है ना? डिवाइड बाय 1000, डिवाइड बाय 1000, ये तो ऊपर जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, है? तो चार्ज कितना हो जाएगा फ्रॉम कंडेंसेशन ऑफ चार्ज, क्यू इक्वल टू एनी. तो इतना चार्ज जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे एक पार्टी से दूसरे पार्टी पर, तो वन पार्टी गेट पॉजिटिव चार्ज एंड अदर पार्टी गेट नेगेटिव चार्ज. ठीक है, तो चार्ज बिकम प्लस माइनस एनी, है ना? ठीक है, तो एन की वैल्यू कितना है? एन की वैल्यू 6/635 × 10⁴ × 10⁴²⁰ into charge on electron 10⁴ − 19, है ना? तो कितना आ जाएगा? ये जगह आपका प्लस माइनस 9.6/635 × 10⁴³, है ना? ठीक है, तो चार्ज की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? प्लस माइनस प्लस माइनस 9.6 × 10⁴. ठीक है, तो चार्ज क्यू इक्वल टू कितना हो गया? क्यू इक्वल टू प्लस माइनस 9.6 × 10⁵ × 9.35 = 587. 1920 है. क्यू इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 192.00/97 कूलम, इतना चार्ज होता है. अब क्या करें? तो हाउ मच कोलंबियन फोर्स विल एक्ट बिटवीन देम, एक तो कितना फोर्स एक्ट करेगा ये चीज निकालना है. तो फ्रॉम, तो देखिए वन बॉडी गेट पॉजिटिव चार्ज एंड अदर बॉडी गेट नेगेटिव चार्ज, सो दे अट्रैक्ट ईच अदर एट अट्रैक्टिव फोर्स. या कोलंबियन फोर्स किसे दिया जाएगा? कोलंबियन फोर्स F = 1/4 pi epsilon naught
q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, है ना? ठीक है, तो जगह 9 × 10⁴ इनटू r की वैल्यू कितना दिया हमने, कहने के लिए r प्लेस 10 सेंटीमीटर अपार्ट, तो r की वैल्यू कितना है 10 सेंटीमीटर, इसलिए मीटर में क्या हो जाएगा 0.1 मीटर हो जाएगा ना, 0.1 मीटर। तो यहां पर दीजिए 0.1 मीटर माने 10⁴ का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। q1 की वैल्यू क्या है, q1 की वैल्यू क्या है 9600, ठीक है, और इनटू 9600 अपॉन 35 इनटू 935 और इनटू 935, है ना, ये चार्ट हो गया। अब इसको कैलकुलेटर या कैलकुलेटर है हैं चलिए ना ना क्यों नहीं है यम्मी ऐसे तो क्यों लिया हुआ देख लो ये कितना हो जाएगा आपका 996 इनटू 96 ठीक है इनटू ये कितना हो जाएगा 10⁴⁹ और +3 + 3 और +2 ना ठीक है अपन अपन हो जाएगा 935 इनटू 935 है ना ठीक है इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना ये फिर तो हो गया आपका 10⁴⁷ ठीक है अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए मैं 96 × 96 10 नहीं 10 पावर हां पता पावर है डिवाइड बाय 935 फिर जो ब्रैकेट करना देखना 935 × 935 इसको पे कर देना डिवाइड कर दो आंसर नीचे कितना नीचे 635 है ये 635 है ना तो ध्यान दीजिए हम हां 635 635 635 635 635 हम मल्टीप्लाई
ये आ रहा आपका, चलिए अब ये याद हो काम ये कर दिया है पावर 16 तो है तुम्हारा Thank you.